उदाहरण नंबर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 15 संख्याओं की उस सूची में प्रथम 24 पद का योग ज्ञात करना है, जबकि हमें पता है एनवा पद यानी कि एन, ये हमें पता है कि एन बराबर जो है 3+2n है, मतलब ये एक पैटर्न है, ऐसा पैटर्न जिससे हम कोई एपी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लो सपोज दैट कि एन बराबर 1 ले, समझना इस बात को कि एन बराबर 1 लेंगे तो ए एन के जगह पर क्या हो जाएगा 1, बराबर तो बराबर, और 3 तो 3, प्लस तो प्लस, 2 तो 2, इनटू एन की जगह पर 1, यानी कि वो नंबर जो निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। अगर हम एन बराबर 2 ले ले तो ये ए 2 जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा 3+2 इनटू एन की जगह पर 2, 2 दूनी देखो 3+2 = 4 यानी कि 7। अगर हम लोग एन बराबर 3 ले ले तो ए 3 बराबर हमें निकल के आएगा 3+2 × 3+3 = 6 यानी कि 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंस कितना का जा रहा है, 2 का जा रहा है, और डिफरेंस की बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे 7-5 यानी कि 2, 2 का डिफरेंस जा रहा है। तो हमें एपी एक मिल के आ रहा है, इस एपी का प्रथम पद क्या है, इस प्रकार प्राप्त एपी का अगर हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद यानी कि ए जो है वह कितना आया है 5, क्या आया है 5 है। सार्व अंतर जो है क्या है, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस बोलो या डी बोलो, डी भी बोलते हैं तो डी ही रहने दो, डी जो है अपना वह है 2, ये बात हमें पता है। बोला क्या गया है, इस एपी के 24 पदों का योग ज्ञात करना है, 24 पद यानी कि एस 24 निकालना है, तो एस 24 बराबर एन बाई 2 यानी कि 24/2 इंटू फॉर्मूला बोला था 2a, 2 इंटू ए की जगह पर देख सकते हो क्या है 5 है, तो 2a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 24-1 इंटू डिफरेंस कितना का जा रहा था 2 का जा रहा था, और इस प्रकार यहां से निकल के आ जाएगा 24/2 इंटू 5 × 10+24 में से 23 × 2 तो 24/2 × 23 = 46, तो 10+46 यानी कि 24/2 × 56, और कितना टाइम्स कैंसिल ये हो गया 28 टाइम्स कैंसिल। 24 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 24 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, 8 × 4 = 32 के दो हाथ में रहा 3, 8 × 2 = 16 और 4 × 8 = 16 और 8, 24, 25, 26, 27 बचा मेरे पास 2, 2 × 4 = 6 यानी कि 672 होगा। ऐसे 24 पदों का योग जहां पर n जो है क्या है 3+2n है, ठीक है, 24 पदों का योग ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते थे, वो कैसे, ध्यान से देखना, 24 पदों का योग बोल रहा है यानी कि अंतिमा पद 24 नंबर पे होगा, तो अंतिम पद हम निकाल सकते थे यानी कि a 24 डायरेक्ट निकाल सकते थे, a 24 बराबर a प्लस 23d निकाल सकते थे ना, और a के जगह पर क्या है तो तुम देखे हो कि 5 है, प्लस 23 इंटू डिफरेंस की जगह पर कितना है 2 है, 23 दूना आता है 46, 46 अब 5 क्या आता है 51 आता है ना। तो हम लोग जब अंतिम पद पता हो तो हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए कि sn बराबर होता है, अंतिम पद पता हो तो n बाई 2 इंटू ए प्लस an या l बोला जाता है, तो n कितना था तो 24, तो 24/2 इंटू ए, मतलब पहला पद क्या था 5 प्लस अंतिमा पद था 51, और जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो 24/2 × 56 का फॉर्म दिया, और ये भी 24/2 × 56 का फॉर्म दिया था, और ये कितना टाइम्स कैंसिल हुआ था 28 टाइम्स कैंसिल हुआ था, और जब 28 को 24 से मल्टीप्लाई किया था तो 672 आया था। तो इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते तो आंसर सेम ही आता। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट उदाहरण।